हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़गुड़ गीता। आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार की फेमस अनरसे की रेसिपी। यह बरसात के दिनों की बेहद ही टेस्टी और स्पेशल मिठाई होती है। इसे होली दिवाली में तो बनाया ही जाता है, पर तीज करवा चौथ जैसे अवसर पर भी प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, ऊपर से क्रिस्पी कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट। अनरसा बहुत तरह से बनाया जाता है, मावा और बिना मावा वाला, चपटा और गोल, से इंस्टेंट भी बनाया जाता है और ट्रेडिशनल तरीके से भी। ट्रेडिशनल तरीके से अनरसा बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है पर मेहनत बहुत ही कम। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से अनरसा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। अनरसा बनाने के लिए मैंने 3 दिन तक भिंगोया हुआ अरवा चावल लिया है। इस कटोरी से 2 कप चावल लिया है, जिसे अच्छे से वॉश करके 3 दिन के लिए पानी में फूलने छोड़ दिया था, पर हर दिन सुबह और शाम में इसका पानी बदल दिया करती थी। ऐसा करने से चावल में किसी तरह का स्मेल नहीं आएगा, इसलिए हर दिन इसका पानी को 2 बार नहीं तो 1 बार जरूर बदल दें। यह अरवा चावल से ही बनाया जाता है। आपके पास जो भी मोटा महीन अरवा चावल हो ले सकते हैं, पर बासमती चावल लेने की जरूरत नहीं है। 3 दिन के बाद आज चौथा दिन है, तो चावल का पानी फिर से बदल दिया है और अब इसका पानी को छान लेना है। एक बाउल के ऊपर मैंने एक छन्नी रख दिया है। अब हम इसमें सारा चावल को डाल के एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे और इसी तरह से 5-7 मिनट छोड़ देंगे। 5-7 मिनट के बाद एक साफ सुथरे कॉटन कपड़े के ऊपर चावल डालकर पतले लेयर में चारों तरफ फैला देंगे। बीच बीच में 1-2 बार हाथ से इस तरह चला देंगे ताकि चावल के ऊपर जो पानी है वह सूख जाए। याद रखें कि इसे सुखाने के लिए कभी भी धूप में न रखें। हम पंखे के नीचे ही 15-20 मिनट के लिए सूखने देंगे। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा का समय लगेगा। 20 मिनट के बाद चेक कर लेंगे, यह सूख गया है। आप देख सकते हैं, छूने से हाथ में पानी बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमें ऐसा ही चावल चाहिए, इससे ज्यादा नहीं सुखाना है। अब हम चावल को पीस लेंगे। इसके लिए फटाफट एक मिक्सी के जार में आधे चावल को ट्रांसफर कर लेंगे, एक साथ सारा चावल नहीं डालेंगे। ये देखिए, चावल का पाउडर मैंने बना लिया है। इसमें चावल के छोटे मोटे दाने होंगे, जिसे हम छन्नी से छान लेंगे। ये मैंने आटा छानने वाला छन्नी ली है, इसी से चावल को छान लेंगे। क्योंकि अनरसे का आटा मैदे जैसा महीन नहीं होता है, बल्कि बारीक सूजी की तरह हल्का दरदरा होता है, जो अनरसे के लिए परफेक्ट होता है। छानने के बाद चावल के मोटे मोटे दाने रह गए हैं, उसी में बाकी बचे चावल डालकर पीस लेंगे और उसे भी हम छान लेंगे। छानने के बाद 1 चम्मच जैसा बच गया है तो इसे हम साइड में कर देंगे। अब मैंने चावल के आटे को दूसरी डीप थाली में ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि इसमें चीनी वगैरह भी मिलाना है। याद रखें कि जिस बाउल से मैंने 2 बाउल चावल लिया था, उसी बाउल से 1 कप चीनी लेंगे। यह रेगुलर वाला चीनी है, जितना चावल उसका आधा चीनी लेना है। तो चीनी को जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी के साथ 3-4 इलायची छिलकर डाल दिया है, चीनी के साथ ही पीस लेंगे। इससे अनरसे में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। चीनी पीसने के बाद यदि उसी कटोरी से नापेंगे तो 1 कटोरी और 3-4 चम्मच ज्यादा पाउडर शुगर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा चीनी पाउडर को चावल के आटे में डाल देंगे। अब चावल आटा और चीनी पाउडर को अच्छी तरह से मसलते हुए आपस में मिलाते जाएंगे। चावल के आटे में मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर के संपर्क में आकर चीनी भी पिघलने लगता है। इस तरह से मसलते हुए दोनों को मिलाते जाएंगे। कुछ समय के बाद ये देखिए थोड़ा बनने लगा है, तो अब हम इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल में दूध लिया है, यह पूरी तरह से ऑप्शन है। आप दूध की जगह पर पानी भी ले सकते हैं। यह दूध पहले से उबला हुआ है, पर अभी यह बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर का है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कभी भी गर्म दूध या गर्म पानी नहीं लेना है, नहीं तो डो बहुत ही गीला हो जाएगा, फिर अनरसा बनाने में बहुत ही परेशानी होगी। तो शुरू में हम 2 चम्मच दूध ही डालेंगे। यह चम्मच नॉर्मल है, न बहुत बड़ा है न छोटा, और हम अच्छे से इसे मिलाते जाएंगे। एक साथ ज्यादा दूध नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से ही दूध या पानी मिलाएंगे। अभी यह भर भरा सा है, तो 2 चम्मच दूध और मिलाएंगे और प्रेस करते हुए मिलाएंगे। अभी तक मैंने 4 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। यह आपके चावल के आटे का टेक्सचर पर भी डिपेंड करता है। तो यह डो के रूप में अब आ गया है, इसका टाइट डो नहीं बनाना है। आप चाहे तो 2-4 घंटे के बाद भी इससे अनरसे बना सकते हैं, या फिर दूसरे तीसरे दिन भी बना सकते हैं। मैं इसे दूसरे दिन अनरसा बनाने वाली हूँ। दूसरे दिन यह और भी अच्छे से फूल जाएगा और अनरसा और भी अच्छा बनकर तैयार होगा। तो हम इसे ढककर दूसरे दिन के लिए रख देते हैं। दूसरे दिन 24 घंटे हो गए हैं, चावल का आटा बहुत अच्छे से फूल गया है, पर अब यह थोड़ा सा ड्राई और सख्त हो गया है। इसे हमें सॉफ्ट और स्मूथ करना होगा। तो 1 चम्मच दूध और डालेंगे, साथ ही 1 छोटा चम्मच घी भी डाल देंगे। इससे अनरसा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बन
साल का तैयार होता है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसे अच्छे से मसा मसल कर स्मूथ कर लेंगे तो अब ये अच्छे से सॉफ्ट और चिकना हो गया है, न ज्यादा गीला है और न ज्यादा टाइट। अब हम इसे एक छोटी लोई तोड़ लेंगे, आपको नरसा जितनी बड़ी बनानी हो उस हिसाब से पेड़ा तोड़ लें, हाथों के बीच में रखकर गोल कर लेंगे। इस दरमियान पेड़े में यदि क्रेक बन रहा हो तो थोड़ा दूध या पानी मिलाकर डो को ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी तरह का दरार नहीं है, मतलब परफेक्ट डो बना है। यहाँ पर मैंने 4-5 बड़े चम्मच सफेद तिल लिया है, आप तिल की जगह पर खसखस भी ले सकते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल से ग्रीस कर लें, एक नींबू के बराबर लोई लेकर गोल कर लेंगे, फिर दबाकर हल्का सा फैला दें, फिर तिल पर रखकर हल्का सा प्रेस कर दें जिससे तिल अच्छे से चिपक जाए। एक ही तरफ या दोनों साइड तिल लगा सकते हैं तो यह चपटा वाला अनरसा बन जाएगा। इसी तरह से एक और अनरसा बना लेंगे। अगर गोल अनरसा बनाना हो तो एक छोटी लोई तोड़ के गोल शेप में बनाकर तिल में लपेट लें तो ये गोल अनरसा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर अनरसा बनाते जाऊंगी और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो गैस पर हमने ऑयल गर्म होने रख दिया है, इसके लिए मीडियम हॉट तेल चाहिए। छोटा सा टुकड़ा डालकर चेक करेंगे, आप देख सकते हैं हल्का हल्का बबल्स आ रहा है, बस इसी तरह का गर्म तेल चाहिए। हम इसके अंदर पहले 2 अनरसे छोड़ देंगे, एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे, इसे तुरंत नहीं छेड़ना है। गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच में रखेंगे जिसे अंदर से अच्छे से सिकेंगे, इसे हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल्दी से ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब यह सीख कर तेल के ऊपर आ जाएगा तब हम इसे हल्का सा हिला देंगे। कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं कि कढ़ाई छोड़ तेल के ऊपर आ गया है, तो हम साइड साइड से अनरसे के ऊपर तेल डालते रहेंगे। ये आपस में थोड़े से चिपक गए हैं तो हम इसे अलग कर देते हैं और ऊपर से साइड साइड से अनरसे के ऊपर इस तरह से गरम गरम तेल डालते रहेंगे जिससे ये ऊपर से भी अच्छे से सीख जाएगा। इसे हम पलटेंगे नहीं, आप चाहे तो इसे पलट कर भी सेक सकते हैं। इसे हम ऊपर से तेल डालते रहेंगे, हलवाई लोग इसी तरह से तलते हैं तो एक किनारे और नीचे साइड से डार्क हो जाएगा और ऊपर से लाइट कलर आ जाएगा। ये अच्छे से फूल गया है और अब ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है और अच्छे से फूल गया है। ये देखिए नीचे साइड से डार्क कलर में और ऊपर में बीच में हल्का कलर में तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। इसी तरह से दूसरे बैचेस को भी तल लेंगे। तो हम एक एक कर बनाते जाएंगे और तेल में इसी तरह से सेम प्रोसेस से अनरसे को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने चपटे वाले अनरसे बना लिए हैं। गोल अनरसे बनाने के लिए छोटी लोई लेकर गोल कर लेंगे, फिर तिल में लपेट कर फिर हाथ में रखकर गोल कर लेंगे जिससे तिल अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम इसे भी एक एक करके बनाते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। इसे हम उलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह से मैंने सारे अनरसे फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छा अनरसा बना है और सभी अनरसे अच्छे से फूल गए हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्प बने हैं। अनरसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बहुत ही अच्छे से सिके हुए हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, बाहर से कुरकुरे क्रिस्प। इसे आप जरूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट कर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।